हेलो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर वन खत्म कर लिया था सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज 4.2 के आगे के क्वेश्चंस यानी क्वेश्चन नंबर टू आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज फोर का क्वेश्चन नंबर टू ना क्वेश्चन नंबर टू में हम लोगों को करना क्या क्वेश्चन नंबर वन हम लोगों ने किया था जिसमें हम लोग ये कोशिश करते थे पता लगाने की कि जो फंक्शन दिया है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन है हम लोग पता लगाते थे कि वो फंक्शन जो दिया है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है और जब मैं बात करूंगा इसके आगे के क्वेश्चन के यानी क्वेश्चन नंबर टू और क्वेश्चन नंबर थ्री की तो इनमें ना कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन नंबर टू में पता है क्या होगा क्वेश्चन नंबर टू में ना हम लोगों को क्वेश्चन ऐसे देगा हम लोगों को वो एक फंक्शन देगा फंक्शन दिया होगा हम लोगों को और ऑलरेडी बताया होगा कि ये जो फंक्शन है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑलरेडी बता के देगा कि ये जो फंक्शन है कौन सा फंक्शन है इंक्रीजिंग फंक्शन है और फिर बोलेगा फाइंड एक्स क्या बोलेगा फाइंड एक्स ऐसे क्वेश्चंस अपने को आएंगे क्या क्वेश्चंस आएंगे अपने को कि जो फंक्शन दिया हुआ है वो कौन सा फंक्शन है इंक्रीजिंग फंक्शन है और क्योंकि वो अब अब क्योंकि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसमें एक्स की वैल्यू निकालो ऐसे सेम क्वेश्चन नंबर थ्री में होगा क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या होगा हम लोगों को एक एफ एक्स दिया होगा और ऑलरेडी बताया होगा कि वो जो फंक्शन है कौन सा है डिक्रीजिंग फंक्शन है अब क्योंकि वो डिक्रीजिंग फंक्शन है तो फिर बोलेगा फाइंड एक्स मतलब कि इस बार हम लोगों को ये नहीं पता करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है वो ऑलरेडी बता के दिया होगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है हम लोगों को करना है फाइंड एक्स यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है क्या करनी है एक्स की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालते हैं बहुत आसान है स्टार्ट करते क्वेश्चन करना अपने आप अपने को पता चल जाएगा सब की कैसे करना है लेटर स्टार्ट विद अ क्वेश्चन पार्ट ओनली डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो लेटर स्टार्ट विद अ क्वेश्चन पार्ट चलो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करते करते समझेंगे कि क्या करना है चलो so, ठीक है चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू के फर्स्ट क्वेश्चन पर पहले एक बार क्वेश्चन नंबर टू रीड कर ले हम लोग क्या दिया है क्वेश्चन नंबर टू में फाइंड द वैल्यूज फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वैल्यू निकालनी है किसकी वैल्यू निकालनी है एक्स की मिला जुला के एक्स फाइंड आउट करना है और यहाँ पर क्या दिया है कि सच डेट जो फंक्शन है एफेक्ट जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है मतलब मुझे पहले ही बता दिया है कि भाई साहब जो फंक्शन आपको दिया है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है लेकिन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो आप क्या पता लगाओ एक्स की वैल्यू पता लगाओ तो पता करते कैसे एकदम सिंपल है देखो मैं बताता हूँ पहले क्या करने का एकदम सेम स्टेप जो हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में करते थे गिवन फंक्शन लिखने का मैं लिखूंगा गिवन फंक्शन लिख लिया मैंने गिवन फंक्शन क्या है यही तो दिया हुआ है तो इसे को लिख लिख लेता हूं। मैं लेता मैं क्या प्लस थर्टी सिक्स एक्स प्लस वन ये अपने को क्वेश्चन दे रखा है फंक्शन अब क्या करने का मालूम है इसका डेरिवेटिव निकालने का जैसा पिछले वाले में करते थे डेरिवेटिव निकालने का तो मैं डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विध रिस्पेक्ट टू एक्स देखते तो मैं क्या कर रहा हूँ सबसे पहले फंक्शन लिखो फिर फंक्शन का क्या निकालो डेरिवेटिव निकालो तो मैंने लिख दिया डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो यहाँ पर भी डी अपॉन डी एक्स आ जाएगा किसके साथ एक्स के साथ यहाँ पर भी डी अपॉन डी एक्स आ जाएगा किसके साथ इस पूरे क्वेश्चन के साथ क्या क्वेश्चन दे रखा है टू एक्स क्यूब माइनस फिफ्टीन एक्स स्क्स प्लस वन खत्म हो गया तो अब यहाँ पर होगा क्या एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है एफ डैश एक्स हम लोगों को पता है इजिक्वल्स टू यहाँ पर देखो डेरिवेटिव कैसे लेंगे टू टू तो कॉन्सेंट है और कॉन्शेंट जब किसी के साथ होता है एक्स क्यूब के साथ है ना तो जो कॉन्शन जब किसी के साथ होता है उसका डेरिवेटिव नहीं लेते तो टू को तो एज इट इज टू लिखूंगा एक्स क्यूब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर खत्म फिर बीच में माइनस दे रखा तो मैंने भी माइनस लिखा फिर फिफ्टीन लिखा है तो मैंने भी फिफ्टीन लिखा फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव देखो फिफ्टीन कॉन्सटेंट था उसके साथ में था अब क्योंकि फिफ्टीन कॉन्सटेंट है उसके साथ में तो फिफ्टीन का डेरीवेटिव नहीं ले सकते एक्स स्क्वायर का डेरीवेटिव लेंगे क्या लिखेंगे टू एक्स फिर प्लस तो प्लस लिखा थर्टी सिक्स कॉन्सटेंट है एक्स के साथ बेटा तो डेरीवेटिव नहीं लेंगे तो थर्टी सिक्स को एज इट इज लिखेंगे x x का डेरिवेटिव कितना आता है वन प्लस तो मैंने लिखा प्लस वन वन भी तो कॉन्सेंट है पर अकेले बैठा है और अकेले कॉन्सेंट का डेरिवेटिव क्या होता है जीरो अकेले अगर कोई कॉन्सेंट मिले तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है जीरो तो चलो फटाफट -फट इसको सॉल्व करते हैं क्या डेरिवेटिव आता है देखते हैं तो ये ऐसा हो जाएगा देर फॉर एफ डैश एक्स इजिक्वल टू टू थ्री से कितना होता है सिक्स एक्स स्क्वायर सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस फिफ्टीन टू से थर्टी और एक्स तो थर्टी एक्स फिर प्लस थर्टी सिक्स वनजा कितना होगा अरे थर्टी सिक्स वनजा ऑफकोर्स ही बात है थर्टी सिक्स वनजा थर्टी सिक्स ही होगा एनी थिंग इन टू वनजा वही आता है और जीरो का तो मतलब ही नहीं है तो ज़ीरो को मैं लिखूंगा ही नहीं तो बस ये मुझे कुछ मिला सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी एक्स प्लस थर्टी सिक्स ये मुझे क्या मिला ये मुझे मिला मेरा डेरीवेटिव ये मुझे क्या मिला मेरा डेरीवेटिव अब इसके बाद क्या करेंगे मुझे लेकिन डेरीवेटिव तो निकाल लिया तो मुझे डेरिवेटिव थोड़ी निकालना था मुझे पता लगानी है क्या एक्स की वैल्यू तो मैं क्या बोल रहा हूँ क्वेश्चन में क्या दिया था इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ना तो यहां पर हम लोग लिखेंगे बट क्या लिखेंगे कि FX जो है इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन पहले से बताया हुआ था तो मैं पे लिख दूंगा एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन अच्छा इंक्रीजिंग फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है हम लोगों को पता है इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए कभी भी एफ डैश एक्स यानी डेरीबिटिव ऑफ एक्स क्या आता है ग्रेटर देन जीरो क्या आता है ग्रेटर देन जीरो तो मैंने लिख दिया कि क्योंकि एफ एक्स एन इंक्रीजिंग फंक्शन क्योंकि इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इसीलिए जो एफ डैश एक्स होगा वो क्या होगा ग्रेटर देन जीरो होगा पॉजिटिव होगा ये तो हम लोगों को पता है और बस जैसे ही हम लोगों ने ये लाइन लिखी इसके आगे क्या करो एफ डैश एक्स दिख रहा है एफ डैश एक्स ये तो हम लोग ने अभी भी यहाँ पे फाइंड आउट किया था उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो यहाँ पर एफ डैश एक्स की जगह पूरा लिख दो क्या लिखोगे सिक्स एक्स स्क्र माइनस थर्टी एक्स प्लस थर्टी सिक्स ग्रेटर देन ज़ीरो इतना समझ में आया अब इसके आगे क्या करेंगे गुरु ये मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन सा इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे और एक्स की वैल्यू मिल जाएगी समझ में आ रहा है कुछ तो चलो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा हूँ मैं सबसे पहले तो देखो इन सब में से कुछ कॉमन मिल रहा है क्या हाँ मिल रहा है ना क्या मिल रहा है कॉमन सिक्स क्या कॉमन मिला रहा है सिक्स ए भी सिक्स के टेबल का भी सिक्स के टेबल का भी सिक्स के टेबल का तो एक काम करता हूँ सिक्स को कॉमन ले लेते हैं अब जैसे मैंने सिक्स को कॉमन लिया इधर से सिक्स तो चला गया तो क्या बचा एक्स स्क्वायर बचा माइनस इधर से सिक्स चला गया फाइव थर्टी का बात है सिक्सा के टेबल सिक्स के टेबल में थर्टी का बात है फाइजा में तो पे बचेगा के अंदर फाइव बचेगा और एक्स तो बचेगा ही फिर प्लस थर्टी सिक्स में से सिक्स चला गया तो क्या बचेगा थर्टी सिक्स बचेगा ग्रेटर देन जीरो इतना समझ में आया अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ ये जो सिक्स है यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है इसको भेज देता हूँ उधर तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा जीरो के साथ जाके क्या हो जाएगा देखो जीरो के साथ आएगा यहाँ पे डिवाइड होगा और एनी थिंग जीरो के साथ में कुछ भी आ जाओ क्या बन जाता है जीरो बन जाता है तो सीधे सीधे मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि अगली लाइन में ये सिक्स मत लिखना अगली लाइन में सिक्स मत लिखना सीधे ऐसे लिखना एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स ग्रेटर देन जीरो अब तुम लोग बोलोगे कि सर किधर गया सिक्स अभी अभी बताया सिक्स मल्टीप्लाई हो रहा था उधर गया जीरो के साथ डिवाइड हो गया और जीरो के साथ तो कोई कुछ भी करे जीरो जीरो ही रहता है तो वो जीरो ही रह गया मतलब सिक्स उसके साथ जाके शहीद हो गया सिक्स वहाँ पर जाके शहीद हो गया तो जीरो ही बच रहा है वहाँ पर और यहाँ पर पूरा बच्चे अब एक क्वॉडाटी का क्वेश्चन है कौन सा इक्वेशन है कॉर्डाटी की क्वेश्चन तो उसको क्या Factorize करेंगे फैक्टराइज करेंगे फैक्टराइज कैसे करेंगे फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या दिख रहा है वन थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट क्या है सिक्स यहाँ पर वन है प्ले सिक्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा वन सिक्स जहा कितना होगा सिक्स होगा दो नंबर क्या चाहिए अपने को दो नंबर मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए सिक्स आ जाए जोड़ने घटाने पर माइनस फाइव आ जाए मैं बताऊँ सिक्स वन ज़ा सिक्स सिक्स वन जो सिक्स उसको माइनस करेंगे तो सिक्स माइनस वन कितना होता है फाइव होता है लेकिन मुझे बीच में क्या चाहिए माइनस फाइव चाहिए तो मैं काम करता तो हूँ बड़े वाले नंबर को माइनस कर देता हूँ छोटे वाले नंबर को क्या कर देता हूँ प्लस कर देता हूँ लेकिन एक चीज़ गड़बड़ है मुझे पता है तुम लोग ऐसे करोगे क्या अरे हाँ माइनस सिक्स प्लस वन ऐड करने पे देखो माइनस फाइव एक्स आ रहा है मुझे पता है गड़बड़ होती है और मल्टीप्लाई करने पे सिक्स आ रहा है लेकिन एक चीज़ गड़बड़ है वो सिक्स है इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस सिक्स आएगा सिक्स वन सा सिक्स प्लस माइनस माइनस इसीलिए ये जो फैक्टर आया ये फैक्टर सही नहीं है हाँ तो सही नहीं है तो लिखा क्यों सर आपने इसलिए लिखा क्योंकि मुझे पता है मोस्टली बच्चे यहाँ पर आने के बाद ये मिस्टेक करते हैं क्योंकि उनको देख कर लगता है हाँ माइनस सिक्स वन मल्टीप्लाई करने पर सिक्स भी आ रहा है ऐड करने पर माइनस फाइव भी आ रहा है बट इज नॉट रियलिटी ऐड करने पर माइनस फाइव तो आएगा पर मल्टीप्लाई करने पर सिक्स नहीं आएगा माइनस सिक्स आएगा तब क्या करेंगे अरे रुको मैं हूं ना यहाँ पर माइनस थ्री माइनस टू अब करके देखो मल्टीप्लाई करो थ्री टू जै सिक्स माइनस माइनस प्लस प्लस सिक्स आया ऐड करके देखो माइनस थ्री माइनस टू कितना होगा माइनस फाइव हो जाएगा समझ में आया क्या बोला मैंने तो बस उसी के साथ हम लोग क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर अभी फैक्टराइजेशन यार मैं समझता हूँ कि तुम्हें थोड़ा बहुत आता होगा इसीलिए इतना मैंने थोड़ा फटाफट बता दिया उसको एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर फाइव एक्स की जगह क्या हो जाएगा एक थ्री एक्स आएगा ए टू एक्स आएगा प्लस सिक्स ग्रेटर देन जीरो खत्म अच्छा यहाँ पर देखो इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है बताओ इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है हम लोगों को दोनों में एक्स एक्स कॉमन तो एक्स को कॉमन ले लिया अब यहाँ पे दो एक्स थे एक एक्स बाहर गया तो अंदर एक एक बचा फिर तो माइनस है तो मैंने माइनस लिखा फिर माइनस है तो मैंने माइनस लिखा अब थ्री एक्स में से एक्स तो चला गया क्या बचा थ्री बचा माइनस अच्छा इन दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है हाँ ये भी टू के टेबल में आते हैं भी टू के टेबल में तो टू को कॉमन ले लिया अब टू को कॉमन लेने के बाद यहाँ पर देखो टू चला गया क्या बचा एक्स बचा अंदर प्लस था पर बाहर माइनस आ गया तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा प्लस से माइनस हो जाएगा सिक्स में से टू गया तो कितना बचेगा थ्री बचेगा ग्रेटर देन जीरो खत्म अब जरा ध्यान से देखो ए बी एक्स माइनस थ्री ए भी एक्स माइनस थ्री तो कॉमन आ सकता है दोनों एक्स माइनस थ्री क्या आ गया कॉमन आ गया तो बचा क्या एक्स माइनस टू तो एक ब्रैकेट में बचा एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो समझ में आया क्या क्या हम लोगों ने फैक्टराइज़ कर दिया उसको बस फैक्टराइज करने तो तुम्हें आना चाहिए यू आर इन ट्वेल्थ स्टैंडर्ड चलो यहाँ पर देखो तो हम लोगों ने फैक्टराइज कर दिया फैक्ट्राइज करने के बाद कुछ ऐसा मिला अपने को अब देखो नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है ना अगर ये नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन होता ना तो हम लोग ऐसे करते हैं एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू अब अब अगले पाँच मिनट में जो बोलूँगा उसको बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना है क्योंकि दिस इज द पॉइंट जिस पर डिपेंड करेगा कि तुम्हें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने आ रहे हैं फिर नहीं आ रही क्योंकि यही वो पॉइंट है ना जहाँ पे सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ तक तो कोई भी पहुंच जाता है इसके आगे की जर्नी इसके आगे का स्टेप जो है ना इतना ज़्यादा आसान होते हुए भी सारे बच्चे लगभग लिटरली मोर देन नाइन्टी ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक करते हैं इसलिए बोलो जरा ध्यान से सुन लो अगर ऐसा होता है एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो ऐसे लिखा रहता है तो हम लोग नॉर्मली क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व सोल्व करना हमने सीखा हम लोग क्या करते थे एक बार लिखते थे एक्स माइनस थ्री इक्ल टू जीरो फिर बीच में और लिखते थे एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो फिर यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू थ्री यहाँ पे क्या आ जाएगा x इक्वल टू टू ऐसे करते थे पर यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिखा है यहाँ पर क्या यह लिखा ग्रेटर देन लिखा है तो क्या तुम लोगों के दिमाग में पक्का ऐसा आएगा कि ठीक है ना सर ग्रेटर देन लगा दो यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो लगा दो यहाँ पर भी ग्रेटर देन ज़ीरो लगा दो यहाँ पर भी लगा दो ग्रेटर देन थ्री यहाँ पर भी लगा दो एक्स माइनस टू ग्रेटर देन ज़ीरो एक्स ग्रेटर देन टू ऐसे हम लोग अलग अलग करते हैं एक बार ये ग्रेटर देन जीरो एक बार ये ग्रेटर देन जीरो इसको सॉल्व किया इसको सॉल्व किया एक्स के वैल्यू मिल गई ऐसे कर देते हैं पर ऐसा चलता है क्या नहीं ऐसा नहीं करना होता है तो क्या करना होता है वही चीज़ तो अपने को समझनी है कि इसके आगे कुछ अलग करेंगे देखो पता है क्या है यहाँ पे दो नंबर है यहाँ पर एक नंबर है एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री एक नंबर ही है ना और एक नंबर क्या है एक्स माइनस टू इन दोनों के बीच में कोई सिंबल नहीं मतलब ये दोनों क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्या हो रहा है मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है ग्रेटर देन ज़ीरो ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होता है पॉजिटिव आंसर ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब क्या होता है पॉजिटिव आंसर तो ध्यान से समझने की कोशिश करना हम लोग यहाँ पे दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आंसर क्या आ रहा है ग्रेटर देन जीरो यानी कि पॉजिटिव आंसर आ रहा है मेरे को एक बात बताओ अगर मैं ए और बी को मल्टीप्लाई करूँ और आंसर पॉजिटिव आए आंसर क्या है पॉजिटिव तो इसके इसका क्या मतलब हो सकता है इसका मतलब एक तो ये हो सकता है कि भैया एक्स ए और B ना दोनों ही पहले से पॉजिटिव थे ये भी पॉजिटिव नंबर था ये भी पॉजिटिव नंबर था इसलिए मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आया पॉजिटिव आया दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव थे क्योंकि प्लस 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 होता है जैसे थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व फाइव सिक्स ज़ा थर्टी है ना तो क्या हो रहा है यहाँ पर दोनों नंबर प्लस थे आंसर भी प्लस में आ रहा है लेकिन एक और कंडीशन हो सकती है एक और कंडीशन क्या हो सकती है कि भाई साहब आंसर पॉजिटिव है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये ए ये भी नेगेटिव रहा हो और ये बी ये भी नेगेटिव रहा हो क्यों क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव यानी माइनस माइनस इज आल्सो इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस आल्सो इज इक्वल्स टू प्लस देखो दो नंबर है दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव आ रहा है आंसर पॉजिटिव प्लस में आ रहा है अब प्लस में आने के दो केसेस हो सकते हैं एक तो दोनों ही नंबर प्लस में रहा हो प्लस प्लस मल्टीप्लाई करने पर आंसर प्लस में आता है लेकिन एक और केस है माइनस माइनस दोनों नंबर अगर माइनस में हो तो भी मल्टीप्लाई करने पे माइनस माइनस क्या आता है प्लस आता है तो बता है। तो magic, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग इसके आगे दो केसेस लेंगे क्या लेंगे दो केसेस मैं पे 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 लिखूंगा लिखूंगा केस केस मैं क्या देखो, मैं क्या देखो सॉल्व करके बता रहा हूं भी. इसके आगे का केस वन केस वन क्या ले रहा हूं आंसर ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव आंसर तो पॉजिटिव आंसर क्यों आया होगा या तो ऐसा एक केस क्या बन सकता है कि दोनों ही नंबर पॉजिटिव रहे हो प्लस प्लस फिर प्लस आ गया आंसर में और एक केस क्या है कि दोनों ही माइनस माइनस रहा तो केस वन में मैं मान लेता हूँ कि दोनों ही पॉजिटिव थे मतलब दोनों ही प्लस में थे पॉजिटिव थे तो मैं क्या लिखूंगा एक्स माइनस थ्री ये भी ग्रेटर देन जीरो ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव या फिर यहाँ पर लिख देता हूँ और एक्स माइनस टू ये भी ग्रेटर देन जीरो ग्रेटर देन जीरो यानी कि पॉजिटिव देखो इसको भी पॉजिटिव ले लिया ग्रेटर देन जीरो इसको भी पॉजिटिव ले लिया ग्रेटर देन जीरो अब होगा क्या ये जो माइनस थ्री इसको उधर भेज दूंगा तो एक्स पे बीच में ग्रेटर देन साइंग माइनस थ्री उधर गया तो क्या हो गया प्लस थ्री ये मिला कुछ मुझे मिनट इसको हाईलाइट मत करना यहाँ पर और यहां पर क्या हो जाएगा इस माइनस टू को भेजूंगा तो मुझे मिलेगा X greater than 2. क्या मिलेगा X greater than 2. ये फर्स्ट केस हो गया ये क्या हो गया फर्स्ट केस अब इसके बाद क्या बनाएंगे केस टू बनाएंगे इसके बाद क्या बनाएंगे हम लोग केस टू ये सब हम लोग को बना के दिखाना पड़ेगा पे क्वेश्चन में केस टू क्या हो सकता है यार दोनों ही नंबर नेगेटिव रहे हो माइनस माइनस में तो केस टू में मैं लिख सकता हूं एक्स माइनस थ्री ये भी लेस देन जीरो लेस देन जीरो नेगेटिव और ये जो है एक्स माइनस टू ये भी लेस देन जीरो लेस देन जीरो नहीं कि नेगेटिव तो अब माइनस थ्री को उधर भेजूंगा तो क्या तो हो जाएगा प्लस थ्री तो ऐसा आ जाएगा एक्स लेस देन थ्री यहाँ पर और इस माइनस टू को उधर भेजूंगा तो एक्स लेस देन टू इतना समझ में आया केस वन में दोनों को पॉजिटिव लिया तो एक्स ग्रेटर देन थ्री एक्स ग्रेटर देन टू मिला केस टू में दोनों को नेगेटिव लिया तो एक्स लेस देन थ्री एक्स लेस देन टू मिला तो क्या ये चारों अपने आंसर है यहां पर एक दो तीन चार 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 वैल्यू मिल रही है की तो क्या चारों अपने क्या आंसर है क्या नहीं चारों अपना आंसर नहीं है इसके आगे मैं जो बोलूंगा उसको बहुत ध्यान से सुनना जब तुम क्वेश्चन कर रहे हो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का यहां पर मैं आंसर लिखवा रहा हूं जब तुम क्वेश्चन कर रहे हो इंक्रीजिंग का किसका कर रहे हो डिक्रीजिंग की बात नहीं कर रहे हैं तुम्हें x की वैल्यू निकालनी है और क्वेश्चन में फंक्शन ऑलरेडी क्या दे रखा था इंक्रीजिंग दे रखा था उस टाइम पर दो केसेस बनेंगे एक केस में क्या होगा दोनों ही पॉजिटिव होंगे एक केस में दोनों ही निगेटिव होंगे हम लोगों को करना क्या मालूम है चार आंसर आए ना उनमें से सिर्फ दो सिलेक्ट करने हैं कितने सेलेक्ट करने हैं दो और वही दो मिलके अपना आंसर बनाएंगे तो कौन कौन सा दो हम लोग सेलेक्ट करते हैं उसकी बात बताता हूँ पता है क्या करने का यहाँ पर दोनों ही लेस देन दोनों ही ग्रेटर देन ग्रेटर देन ना दोनों ही क्या है ग्रेटर देन और ग्रेटर देन तो पता है उनमें से कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करने का उनमें से वो वाली वैल्यू सेलेक्ट करने का जो कि सबसे बड़ी है जो कि सबसे बड़ी है जैसे यहाँ पर देखो x ग्रेटर देन टू लिखा है x ग्रेटर देन थ्री लिखा है बड़ी वैल्यू कौन सी है टू या थ्री थ्री बड़ा है ना तो यहाँ से हम लोग ये वाला एक आंसर सेलेक्ट करेंगे और लेस देन लेस देन वालों में से कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करने का मालूम है छोटी वैली वाले में से कौन सी वैल्यू का छोटी वाली ग्रेटर से बड़ी वैल्यू लेस देन वालों में से छोटी वैल्यू देखो ये दोनों less than, less than दिख रहे हैं छोटी छोटी कौन सी या Two? Two value. तो यहां से ये करेंगे ध्यान से सुनना मैं पे लिखवा देता हूँ जो ग्रेटर देन का सिंबल है ग्रेटर देन का जो सिंबल है वहां से क्या करने का स्मॉलर वैल्यू लेने का और जो लेस देन वाला सिंबल था उनमें से क्या लेने का बिगर वैल्यू बड़ी वाली वैल्यू लेने का स्मॉलर वैल्यू और लार्जर वैल्यू बड़ी वाली वैल्यू लेस देन ग्रेटर देन वालों में से बड़ी वैल्यू लेने का लेस देन वालों में से छोटी वैल्यू लेने का तो यहाँ से मैंने थ्री ले लिया यहाँ से मैंने क्या ले लिया टू ले लिया और यही अपना आंसर है यही अपना क्या है आंसर यहाँ पर आंसर में लिखूंगा कि एक्स ग्रेटर देन थ्री है एंड एक्स लेस देन टू है ये अपना आंसर हो गया एक्स ग्रेटर देन थ्री है और एक्स क्या है लेस देन टू है समझ में आया अब तुम्हारे टेक्स्ट बुक में आंसर थोड़ा अलग दिया रहता है तो वो भी तुमको कर अगर अच्छा मैं एक बात बताऊँ अगर तुमने आंसर यहाँ पर छोड़ा तो नो इज गोइंग टू कट योर मार्क्स इसमें मार्क्स नहीं कटते हैं क्योंकि ये भी गलत नहीं है ये भी सही आंसर है लेकिन फिर भी तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया है फॉर योर सेटिस्फैक्शन वो आंसर भी लिखना सिखा दूँ वो आंसर कैसे लिखते हैं अरे वेरी सिंपल यार यहाँ पर देखो ये सी चीज़ को थोड़ा सा अलग फॉर्म में लिख देता है यहाँ पे क्या लिखा है एक्स ग्रेटर देन थ्री लिखा हुआ है ग्रेटर देन थ्री यानी थ्री से बड़ा थ्री से बड़ा पर थ्री से कितना बड़ा फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन कहाँ तक जाओगे हाँ अब कोई लिमिट तो दी नहीं गई है तो हम लोग कहाँ तक चले जाएंगे इनफाइनाइट तक मतलब कि थ्री से बड़ा थ्री से बड़ा ऊपर जाना है तो कितना ऊपर चले जाएंगे कोई लिमिट तो है नहीं इनफाइनाइट तक चले जाएंगे तो वहाँ पर आंसर में लिखा होगा तुम्हारे लिए थ्री कॉमा इनफाइनाइट क्या लिखा होगा थ्री कॉमा इनफाइनाइट मतलब थ्री से बड़ा बोला तो थ्री से स्टार्ट किया इनफाइनाइट तक चला गया फिर यहाँ पे बीच में बनाया होगा यूनियन यूनियन है नहीं वही एंड मान लो अच्छा देखो एक्स लेस देन टू क्या लिखा एक्स लेस टू यानी टू से छोटा से two से छोटा छोटा मतलब क्या टू के नीचे आएंगे तो वन होगा वन के नीचे जीरो होगा फिर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स जितना नीचे आएंगे माइनस में नंबर बढ़ता जाएगा फाइनल में क्या आएगा फाइनल में आएगा माइनस इंफिनिटी फाइनल में क्या आएगा माइनस इंफिनिटी आएगा तो यहाँ पर उसने लिखा रहेगा माइनस इंफिनिटी से लेके टू तक माइनस इन्फिनिटी से लेके टू तक मतलब माइनस इन्फिनिटी से आओ टू तक आओ माइनस इन्फिनिटी से टू तक आओ यहां पे देखो थ्री से इन्फाइनाइट यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से टू समझ में आया समझे क्योंकि हम लोग पीछे जा रहे हैं माइनस इंफिनिटी क्यों क्योंकि हम लोग लेस देन टू लिखा लेस देन टू मतलब टू से छोटा तो टू से छोटा करोगे तो माइनस वाले नंबर आने लगेंगे ना तो अगर तुम लोगों को, को टेक्स्ट बुक वाला आंसर चाहिए अगर तुम लोगों को टेक्स्ट बुक वाला आंसर चाहिए तो यू मे राइट दिस आंसर के अंदर या फिर तुम लोग अगर ये भी लिखोगे तो चलेगा या फिर मैं बोलूँ सबसे बेस्ट ऑप्शन दोनों ही लिख दो हो सकता है कोई एग्जामिनर हो जिसको ये अच्छा लगता हो हो सकता है कोई हो जिसको ये अच्छा लगता हो तो सबके लिए लिखेंगे हम लोग दोनों लिख देंगे जिसको जो अच्छा लगता है वो चेक करो फुल मार्क्स दे दो बस समझ में आया एक रिकैप लेते हैं छोटा सा देखो कुछ हार्ड था नहीं क्या किया हम लोगों ने क्वेश्चन हमने को दिया हुआ था एफेक्ट्स करके और बोला था इंक्रीजिंग फंक्शन तो पहले मैंने दोनों का पहले उसका डेरिवेटिव निकाला डेरिवेटिव आया ये अब डेरिवेटिव निकालने के बाद मैंने बोला इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा पॉजिटिव होता है एफ डैश एक्स हम लोगों को पता है इंक्रीजिंग फंक्शन में तो एफ डैश एक्स की वैल्यू डाली देखा रहे सिक्स कॉमन है सिक्स को कॉमन निकाल के उधर भेजा सिक्स शहीद हो गया वहाँ पर जाके तो बचा क्या बचा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको सॉल्व किया फैक्टराइज़ किया तो ऐसा कुछ आया अब यहां पर देखा रही है ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आंसर ग्रेटर देन पॉजिटिव आ रहा है आंसर पॉजिटिव कब आ सकता है दो केसेस केसेस में या या तो 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 दोनों 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 नंबर नंबर पॉजिटिव रहे या तो दोनों ही नंबर रहे हों हों ही नेगेटिव को लिया सॉल्व किया एक्स की चार वैल्यूज मिली पर सिलेक्ट कितना करना होता है सिर्फ दो ग्रेटर देन वालों में से बड़ी वैल्यू लेस देन वालों में से छोटी वाली वैल्यू समझ में आया ग्रेटर देन वालों में से कौन सी वैल्यू बड़ी वैल्यू लेने का लेस देन वालों में से कौन सी वैल्यू लेने का छोटी वाली वैल्यू लेने का और एक बार हमने दो वैल्यूज ले ली तो अपना आंसर बन गया समझ में आया चलो ठीक है

ग्रेटर देन में बड़ी वाली वैल्यू लेने का लेस देन वालों में से छोटी वैल्यू समझा वहाँ पर कंफ्यूज मत रहना चल ठीक है आगे बढ़ते चलते क्वेश्चन नंबर टू की तरफ देखो क्वेश्चन नंबर टू में क्या दिया है अरे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कुछ क्वेश्चन दे रखा है तो मैं क्या करूंगा पहले मैं गिवन लिख लूंगा मैं लिखूंगा गिवन फंक्शन मैं लिखूंगा गिवन फंक्शन लिख दिया गिवन फंक्शन क्या है गिवन फंक्शन दिया हुआ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क् प्लस टू एक्स माइनस फाइव खत्म हो गया तो आप क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो लिखूंगा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो यहाँ पर भी डी अपॉन डी एक्स लग जाएगा किसके साथ एफ एक्स के साथ यहाँ पर भी डी अपॉन डी एक्स लग जाएगा किसके साथ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फाइव के साथ तो एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या जाएगा? Fx का आ जाएगा एफ एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा एफ डैश एक्स सिंपल एकदम और यहाँ पर इसका डेरिवेटिव क्या आएगा देखो स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है टू एक्स होता है प्लस टू तो कॉन्सेंट है तो कॉन्सेंट का डेरिवेटिव नहीं लेते X, X का डेरिवेटिव कितना आता आता है है माइनस तो माइनस फाइव का डेरिवेटिव फाइव तो कॉन्सेंट है कॉन्सेंट का डेरिवेटिव क्या आता है जीरो समझ में आया इतना तो उसके आगे क्या करेंगे देयर फॉर एफ डैश एक्स इजिकल्स टू टू एक्स तो टू एक्स ही रहेगा प्लस टू रहेगा तो टू लिख देंगे यहां पे जीरो का तो मतलब ही नहीं है तो ये अपना एफ डैश एक्स आ गया बट क्या लिखेंगे इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन तो मैं पर लिखूंगा बट एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन मुझे क्वेश्चन भी दिया था कि एफ एक्स कौन सा फंक्शन है एफ एक्स है एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो मैंने लिख दिया एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन और क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि एफ डेरीवेटिव ऑफ़ x क्या होगा ग्रेटर देन ज़ीरो क्या होगा ग्रेटर देन ज़ीरो यानी कि पॉजिटिव आएगा तो बस अब इसमें वैल्यू डालते हैं और चेक करते हैं एफ एक्स एफ डैश एक्स क्या डालेंगे एफ डैश एक्स तो मैंने निकाल रखा था एफ डैश एक्स क्या निकाला था ये टू एक्स प्लस टू तो मैंने ले दिया टू एक्स प्लस टू फिर ग्रेटर देन जीरो दिया तो ग्रेटर देन जीरो खत्म हो गया अच्छा उसके बाद एक्स की वैल्यू चाहिए ना तो एक काम करते हैं एक्स को अपने पास रखते हैं बाकी सबको एक एक करके उधर भेजते हैं पहले ये प्लस टू इसको उधर भेज देता हूँ तो प्लस टू वहाँ पर जाके क्या हो जाएगा माइनस टू का बीच में सिंबल वही रहेगा ग्रेटर देन का फिर ये मल्टी ये जो टू है ये जो टू है जो एक्स के साथ यहाँ पे बैठा है कुछ नहीं हो रहा है उसके साथ मतलब कि मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको किधर भेज देंगे उधर तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड बाई टू यहाँ से टू पर मल्टीप्लाई था वहाँ पर जाके डिवाइड हो गया टू टू कटेगा कितना आंसर आएगा वन तो देर फॉर एक्स ग्रेटर देन माइनस वन क्या आंसर आया एक्स ग्रेटर देन माइनस वन इसमें कोई केस वन केस टू करने की जरूरत नहीं है केस वन पे क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन जब बनता है तब लेना पड़ता है यहाँ पे कुछ इक्वेशन क्वेश्चन नहीं बना डायरेक्टली वैल्यू मिल गई एक्स ग्रेटर देन माइनस वन यही अपना क्या है आंसर आंसर है पर 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 इज लेकिन मैंने बोला ना अगर तुम्हें सेटिस्फेक्शन चाहिए तुम्हारे टेक्स्ट बुक में मुझे पता है आंसर अलग दिया होगा तो वाला आंसर भी लिख लेते क्या लिखा है एक्स ग्रेटर देन माइनस वन मतलब एक्स की वैल्यू माइनस वन से स्टार्ट होगी और बढ़ते चली जाएगी बड़ी है ना ग्रेटर देन माइनस वन मतलब एक माइनस वन से बड़ा तो माइनस वन से बड़ा हो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव कोई लिमिट तो है नहीं कहां तक जाएंगे इंफानाइट तक तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या लिखा जा सकता है इसको माइनस वन कॉमा इन्फाइन क्या लिखा जा सकता है माइनस वन कॉमा इन्फानाइट के माइनस वन से स्टार्ट करो और ग्रेटर देन बढ़ाते 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 इन्फानाइट तक चले जाओ समझ में आया आसान है एकदम बस क्वेश्चन नंबर टू भी यहीं पर खत्म होता है चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर देखो ये मैंने फटाफट बताया क्यों क्योंकि ऑलरेडी वाले को बहुत आराम से किया था ये बहुत सिंपल सा था तुम्हें तो समझ में आना चाहिए था ये अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री के ऊपर चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री के ऊपर पहले जो फंक्शन दिया इसको लिख लेता हूँ गीवन फंक्शन क्या लिख लेता गीवन फंक्शन क्या फंक्शन दिया एफ एक्स टू क्या फंक्शन दे रखा टू एक्स का क्यूब तो मैंने लिखा टू एक्स का क्यूब फिर क्या दिया माइनस फिफ्टीन एक्स स्क्वायर तो मैंने बना लिया माइनस फिफ्टीन एक्स फिर क्या दिया माइनस वन फोर्टी फोर एक्स तो मैंने भी लिख लिया माइनस वन फोर्टी फोर एक्स फिर माइनस सेवन दिया तो मैंने लिख लिया खत्म सबसे पहले क्या करेंगे डेरीवेटिव लेंगे तो मैं पहले लिख लेता हूँ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी अपन डी एक्स आ जाएगा एफ एक्स के साथ डी अपन डी एक्स किसके साथ है कैफ एक्स के साथ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी अपन डी एक्स आ जाएगा पूरे क्वेश्चन के साथ टू एक्स क्यूब माइनस फिफ्टीन एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या देखा माइनस वन फोर्टी फोर एक्स माइनस सेवन खत्म हो गया यहाँ पे एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है एफ डैश एक्स होता है इतना तुम लोगों को पता है एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है एफ डैश एक्स होता है अच्छा इधर क्या होगा टू तो कॉन्स्टेंट है और कॉन्स्टेंट को एज इज लिखा जाता है तो टू को मैं कॉन्स्टेंट जब किसी के साथ हो, तो एज इट इज लिखा जाता है तो उसके साथ है तो टू को इट इज लिखूंगा एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है थ्री एक्स स्क्वायर खत्म फिर बीच में माइनस है तो मैं भी माइनस लिख दूंगा फिर यहां पे 15 कांस्टेंट पर एक्सक्वायर के साथ है तो एज इट इज लिखूंगा डेरिवेटिव नहीं लेते हैं एक्स डेरिवेटिव लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा जाएगा फिर माइनस तो मैंने भी माइनस लिखा वन फोर्टी लेकिन एक्स के साथ है तो वन को भी कुछ नहीं कर सकते एज इट इज लिखेंगे एक्स का डेरीवेटिव ले लेंगे कितना आएगा वन फिर माइनस है तो मैं भी माइनस लिखूंगा सेवन कॉन्स्टेंट पर अकेला है और अकेले कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है जीरो समझे समझे कि नहीं चलो ठीक है यहाँ पर लिखते हैं एफ डैश एक्स इजिक्वल्स टू टू थ्री से कितना होता है सिक्स एक्स स्क्वायर सिक्स एक्स स्क्वायर फिर माइनस है तो माइनस फिफ्टीन टू से कितना होता है थर्टी एक्स तो थर्टी एक्स फिर माइनस वन फोर्टी फोर इंटू वन अरे एनी थिंग इंटू वन वही आ जाता है ना तो वन फोर्टी फोर इंटू वन क्या होगा वन फोर्टी फोर जीरो का तो मतलब ही नहीं है ज़ीरो का तो मतलब ही नहीं है तो ये अपने को एफ डैश एक्स मिल गया अब इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करते थे लिखेंगे ना बट इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन दिया था क्वेश्चन में लिखूंगा बट एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन तो लिख लिया मैंने अच्छा इंक्रीजिंग फंक्शन लिखने के बाद क्या करेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब एफ डैश एक्स क्या आएगा ग्रेटर देन जीरो एफ डैश एक्स क्या आएगा ग्रेटर देन जीरो क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो अब एफ डैश एक्स की वैल्यू डालता हूँ ये वैल्यू है सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी एक्स माइनस वन फोर्टी फोर ग्रेटर देन जीरो ये तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह हो गया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है इसको सॉल्व करना पड़ेगा केसेस लेने पड़ेंगे तब जाके एक्स की वैल्यू निकलेगी बहुत आसान है कोई दिक्कत नहीं फटाफट फटाफट खत्म कर लेंगे यहाँ पे देखो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर दे रखा है इक्वेश्चन पहले दे तो देखो यार इक्वेशन में बहुत बड़े बड़े नंबर हैं तो कुछ कॉमन निकालते हैं कुछ कॉमन निकालेंगे जीरो के पास भेजेंगे वो शहीद हो जाएगा एक क्वेश्चन अपना छोटा हो जाएगा सॉल्व करना आसान होगा तो मुझे दिख रहा है ना सिक्स थर्टी वन फोर्टी फोर सारे के सारे सिक्स के टेबल में आते हैं तो में से सिक्स कॉमन है तो मैंने सिक्स को कॉमन निकाल लिया अब जैसे सिक्स को कॉमन निकाला इधर से सिक्स गया क्या बचा एक्स स्क्वायर बच्चा फिर माइनस थर्टी में से सिक्स गया तो सिक्स फाइव ज़्यादा थर्टी फाइव बचा फिर माइनस 144 में से 6 गया तो क्या बचेगा यहाँ पर देखो मैं बताता तो 144 को 6 से डिवाइड करो 6 टू ज़ा ट्वेल्व 2 ये 4 नीचे आ जाएगा 6 फोर ज़ा ट्वेंटी मतलब कि 144 फोर्टी फोर सिक्स के टेबल में कब आता है ट्वेंटी फोर जा में तो यहाँ पर क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा 24 फोर ग्रेटर देन ज़ीरो ग्रेटर देन ज़ीरो इतना समझ में आए अब सिक्स जाएगा वहां पे यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां पे जीरो के पास जाके डिवाइड होगा शहीद हो जाएगा नहीं बचेगा तो बचेगा क्या बचेगा एक्स स्क्स एक्स माइनस ट्वेंटी अब एक ऑर्डर को फटाफट सॉल्व करते हैं फैक्ट्राइज करते हैं कैसे फैक्ट्राइज करेंगे यहां पे कुछ नया नहीं वन है यहां पर क्या है माइनस ट्वेंटी फोर यहाँ पर क्या है माइनस ट्वेंटी फोर तो मल्टीप्लाई करूंगा वन इंटू माइनस ट्वेंटी फोर तो आंसर क्या आएगा वही आएगा माइनस ट्वेंटी फोर एनी थिंग इंटू वन वही आ जाता है आंसर में तो वन इंटू माइनस ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेंटी फोर आ जाएगा अब क्या करेंगे दो नंबर मल्टीप्लाई करने पर माइनस ट्वेंटी फोर आ जाए और ऐड या सब करने पर क्या आ जाए माइनस फाइव आ जाए तो ट्वेंटी फोर कब कब आता है देखो टू के टेबल में देखूंगा तो टू ट्वेल्व जै ट्वेंटी फोर होता है पर टू और ट्वेल्व को मल्टीप्लाई करके ट्वेंटी फोर तो आएगा जोड़ घटा के पाँच तो नहीं मिलने वाला है थ्री के टेबल में देखो थ्री एट जै ट्वेंटी फोर मल्टीप्लाई करने पर ट्वेंटी फोर आ रहा है और जोड़ घटा के पाँच मिल सकता है तो मैं लिख देता हूँ थ्री एट ज़ा ट्वेंटी फोर लेकिन लेकिन थ्री एट जा तो ट्वेंटी फोर होगा माइनस ट्वेंटी फोर चाहिए तो इन दोनों में से किसी एक नंबर को क्या डालना पड़ेगा माइनस डालना पड़ेगा तो किसको माइनस डालेंगे या पे बीच में क्या दिया माइनस फाइव मेरे को बीच में माइनस फाइव चाहिए तो बड़ा वाला नंबर माइनस डाल दो ये प्लस रहेगा ये माइनस रहेगा मल्टीप्लाई करो थ्री एट जा ट्वेंटी फोर प्लस माइनस माइनस ट्वेंटी फोर जोड़ेंगे तो थ्री माइनस एट माइनस फाइव होता है समझ में आया मिल गया फैक्टर फैक्टराइजेशन आना चाहिए बच्चा तुम लोगों को चलो यहाँ पर देखो अब हो जाएगा एक्स स्क्वेयर वो प्लस थ्री एक्स तो लिख देता हूँ प्लस थ्री एक्स फिर वो माइनस एट एक्स लिख देता हूँ माइनस एट एक्स फिर ये माइनस ट्वेंटी फोर एज इट इज ग्रेटर दैन जीरो इसको एज इट इज लिखा इसको एज इट इज लिखा फाइव एक्स को डिवाइड कर दिया प्लस थ्री एक्स और माइनस एट एक्स में ऐसे ही करते ना फैक्टराइजेशन फिर क्या करेंगे इन दोनों में से कुछ कॉमन मिल रहा है क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन अरे ब्लैक इंक नहीं आया मेरा इन दोनों में से कुछ कॉमन मिल रहा है क्या बताओ जरा मिल रहा है ना देखो दोनों में एक्स एक्स कॉमन है तो एक्स को कॉमन ले लिया अब यहाँ पे एक्स स्क् था एक्स एक बार चला गया तो अंदर क्या बचेगा एक सिंगल एक्स बचेगा लिख दिया फिर प्लस था तो प्लस ही बचेगा थ्री एक्स में से एक्स बार गया तो क्या बचा थ्री बचा तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं थ्री फिर माइनस तो माइनस लिखता हूं इन दोनों में क्या कॉमन आया देखो ये भी एट के टेबल का यह भी एट के टेबल का एट कॉमन एट को कॉमन लिए तो यहाँ पे एट चला गया तो क्या बचा एक्स बचा अंदर ये माइनस था पर बाहर माइनस अंदर की साइन चेंज होगी प्लस हो जाएगा अच्छा ट्वेंटी फोर में से एट गया तो कितना बचेगा एट थ्री जै ट्वेंटी फोर होता है तो अंदर क्या बचेगा थ्री बचेगा ग्रेटर देन ज़ीरो ग्रेटर देन जीरो इसके आगे क्या होगा मुझे दिख रहा है ये भी एक्स प्लस थ्री ये भी एक्स प्लस थ्री तो एक ब्रैकेट में एक्स प्लस थ्री आ जाएगा और एक ब्रैकेट में बचा हुआ यानी कि एक्स माइनस एट एक्स माइनस एट ग्रेटर देन ज़ीरो खत्म अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है दो नंबर देखो इसके आगे केस लेते थे ना दो नंबर मल्टीप्लाई करने पर आंसर जो आ रहा है वो ग्रेटर देन जीरो यानी कि पॉजिटिव है दो केसेस पॉसिबल है पॉजिटिव आंसर कब आता है या तो दोनों ही पॉजिटिव रहे हो प्लस 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 या तो दोनों ही नेगेटिव रहे हो माइनस माइनस का प्लस आ गया हो तो मैं पे लिखूंगा केस वन मैं पे क्या लिखूंगा केस वन केस वन में दोनों को पॉजिटिव ले लेते हैं तो एक्स प्लस थ्री को पॉजिटिव लूंगा मतलब एक्स प्लस थ्री ग्रेटर देन जीरो और इसको भी पॉजिटिव ले लेते हैं तो एक्स माइनस एट को पॉजिटिव लूंगा एक्स माइनस एट ग्रेटर देन जीरो खत्म तो यहां पर क्या हो गया प्लस थ्री उधर जाएगा माइनस थ्री हो जाएगा अरे अरे इसको अभी हाईलाइट एक्स ग्रेटर माइनस थ्री मिला और यहां पर अगर माइनस एट को उधर भेजूंगा तो एक्सर देन माइनस एट उधर जाए प्लस तो एट हो जाएगा खत्म अब केस टू लेंगे केस टू में क्या ले लेंगे दोनों को ही निगेटिव ले लेंगे क्योंकि माइनस माइनस भी तो प्लस ही होता है ना केस टू में एक्स प्लस थ्री ये भी लेस देन जीरो ले लूंगा और x माइनस एट ये भी लेस देन ज़ीरो ले लूँगा तो ये प्लस थ्री उधर जाएगा माइनस थ्री हो जाएगा तो x लेस देन माइनस थ्री और ये माइनस एट उधर जाएगा तो प्लस एट हो जाएगा खत्म हो गया अब मुझे मिली x की चार चार वैल्यूज मुझे सीधा आंसर लिखना है क्या लिखना है आंसर अब मुझे मिल चुके हैं x की चार वैल्यूज और चाहिए कितनी दो तो मैंने क्या बताया था जो ग्रेटर देन है उसमें से बिगर वैल्यू लो ग्रेटर देन वालों में से बिगर वैल्यू को उठाओ लेस देन वालों में से स्मॉल वैल्यू को उठाओ किसको उठाओ स्मॉल वैल्यू को hmm. तो यहाँ पर देखो ग्रेटर देन वालों में बड़ी वैल्यू कौन सी है ये तो कहिए ग्रेटर देन ग्रेटर देन बड़ा कौन सा है माइनस थ्री बढ़ा है कि एट बढ़ा है एट बड़ा है तो यहाँ से ये आंसर होगा और यहाँ पर मैंने क्या बोला स्मॉल वाले को उठाओ तो लेस देन में से छोटा कौन सा है? एट छोटा है कि माइनस थ्री छोटा माइनस थ्री छोटा है तो इसको उठा लो समझ में आया क्या बोला मैंने ग्रेटर देन वालों में से बड़ा को उठाया तो एट बड़ा था तो एट को उठा लिया एट लिख दिया और यहां से छोटा कौन सा था माइनस थ्री छोटा तो छोटा उठा लिया अब यहां तो क्या क्या पर एट।, एट, मतलब एट, एट से बड़ा बड़ा लिखेंगे तो कहां तक जाएंगे इनफाइनेट तक चले जाएंगे क्योंकि एट नाइन टेन इलेवन इन तक तो यहां पे मैं लिख सकता हूं एट कॉमा इन यूनियन यहां पे देखो लेस देन माइनस थ्री मतलब माइनस थ्री से छोटा माइनस थ्री से छोटा माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस में छोटा होते चले जाएंगे तो कहाँ तक पहुँचेंगे लास्ट में माइनस इन्फानाइट तक तो यह आएगा माइनस इन्फानाइट से लेके माइनस थ्री समझ में आया एंड दिस इज आर फाइनल आंसर तो इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर टू खत्म होता है आई होप कि तुम लोगों को समझ आया हो ठीक है कोई भी डाउट रहने जैसी चीज़ है नहीं एक बार प्रैक्टिस करो सब अच्छे से समझ में आएगा अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू